सामने का नजारा देखो आप कितना सुंदर है, हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, धुंध दिख रही है आपको थोड़ी सी हल्की। कॉफी ग्रोवर्स कोऑपरेशन सोसाइटी, मतलब यहाँ के जो कॉफी के किसान लोग हैं उनकी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मैं ये खाता है, वो ये भी खा, 5 रुपये चेंज नहीं थे उनके पास तो हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, बोला उसमें नमक लगा दो हम रास्ते में खा लेंगे। फेवरेट है सिंदूरी, इसलिए हमने लिया, ये मज़ा आ रहा है उसे, बड़े चाव से खा रहा है, बहुत मीठा है बोला। मार्केट देखा, यहीं पे लेने आए हम ट्राई, और ये ऐसे पहाड़ी एरिया में होता और कहीं नहीं होता। मतलब ये है वो जगह जब हम सबसे पहले आए थे, हमने यहीं खाया था, जय भुवनेश्वरी मिलिट्री होटल, अच्छा लगा। ये एक और पाया मंगा लिया हमने, और खाओ। सामने का नज़ारा देखो आप कितना सुंदर है, नारियल के खेत हैं और पहाड़ है। और हमारा लंच हो गया, हमने रागी मुड्डे खाया, ये चिकन करी था, इसमें भयंकर मिर्च थी। करा रहे हम तिरुनोवेलवी हलवा 200 ग्राम, हाँ ये उसमें उन्होंने रखा है, वो है शुगर टॉडी बेल्लम, ये है, ओके हाँ हाँ। क्या सुंदर पहाड़ है और इसके ऊपर ही वो किला सा है हल्का हल्का, अगर आप ध्यान। आम चाहिए, यहाँ एक दिख रहा है, ट्राई करते हैं। ओए आ गया, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और सुबह के बज गए हैं 6:30 और आप देख सकते हैं हम ऑलरेडी गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं मदिकेरी कुर्ग कर्नाटका से हैदराबाद तेलंगाना अपने घर तक, और डिस्टेंस होने वाला है 850 किलोमीटर, टाइम लगने वाले हैं 14 से 16 घंटे, और रात को शायद 9:30 तक पहुँच जाएँ तो खुद किस्मती। रास्ता होने वाला है यहाँ कुर्ग से निकले हैं हम फिर मैसूर के आउटर पे जाएंगे, मैसूर के आउटर से बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर से अनंतपुर जाएंगे, अनंतपुर से कुरनूल जाएंगे, कुरनूल से हैदराबाद जाएंगे। सो ये हमारा रूट होने वाला है, और आज का प्लान है कि ब्रेकफास्ट तो हम कहीं रास्ते में लोकल करेंगे, डोसा इडली ये सब खाएंगे, और लंच उम्मीद है कि बैंगलोर के थोड़ा सा पार पहुँच के मिल जाए तो सही है, ट्रैफिक व्राफिक पार करके जैसे ही बैंगलोर पार होगा वहाँ कहीं लंच करने का प्लान है। और डिनर आज हमारा बहुत स्पेशल होने वाला है, अगर प्लान वर्कआउट किया तो डिनर हम करने की सोच रहे हैं कृतुंगा पे, जो एक क्या बोलते हैं रायलसीमा क्विजीन का बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे वो रागी वाले वो भी मिलते हैं, रागी बॉल्स भी मिलते हैं, सो वो खाने का प्लान है, और कंट्री चिकन मिलता है देसी चिकन, सो वो प्लान है। बट अब वो कहाँ खाएंगे, अनंतपुर में खाएंगे, कुरनूल में खाएंगे या हैदराबाद में खाएंगे, हैदराबाद तो शायद नहीं हो पाएगा, अनंतपुर या कुरनूल कहीं ट्राई करना पड़ेगा। सो ये हमारा प्लान है, सामने आप देख सकते हो सुंदर सुंदर वादियाँ पहाड़ मदिकेरी के जो हम पार कर रहे हैं, और अब जा रहे हैं अगला बड़ा शहर मैसूर की ओर, मैसूर के आसपास चल के नाश्ता करेंगे, तो चलिए चलते हैं। ये सामने का नज़ारा देखो आप कितना सुंदर है, हल्के हल्के पहाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, धुंध दिख रही है आपको थोड़ी सी हल्की सी, और वहीं पे पीछे इनके पेड़ों के सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है, वो लाल लाल आसमान दिख रहा होगा आपको, मतलब क्या बोलते हैं भैरवा रंग बोलते हैं इसे शायद, सैफ्रॉन, सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ इतना घना जंगल है कि यहाँ फॉग दिख रही है गर्मी में भी, और टेम्परेचर यहाँ है 19 डिग्री, आप लगा लो हैदराबाद में हम सो के उठते हैं तो 30 डिग्री के आसपास होता है, और यहाँ अभी 19 डिग्री, हमने एसी 23 पे चलाया हुआ, उससे ज़्यादा ठंड है बाहर, सो बहुत सही, चलिए चलते हैं। 6:50, एकदम बहुत मज़ेदार मीठी मीठी ठंड है, 19 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, और सामने सूरज चढ़ रहा है, अब यकीन मानने वाली बात तो नहीं है बट अभी 19 दिखा रहा है, अगले 4 से 5 घंटे में ऑलमोस्ट 40 तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर, तो आप फ़र्क देखना दिन भर में कितना आएगा। अभी तो हमने एसी वैसी बंद करा हुआ है, आप इधर देख सकते हो खिड़की खोल के बैठे हैं हम लोग, बिकॉज ऐसा कम मौका मिलता है क्या बोलते हैं ठंड खाने का, तो और स्पेशली दक्षिण भारत में, या तो ठंड में भी ठंड नहीं होती, इसलिए हम मज़े से खिड़की खोल के गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ा डीजल भी कम लगेगा थोड़ी देर के लिए, और डीज़ल भी भराना है रास्ते में, और रास्ता बहुत मज़ेदार, दोनों साइड हल्के फुल्के कॉफ़ी के जंगल, पेड़, छोटे छोटे गांव, चलिए पार करते हैं। अब अगला बड़ा शहर मैसूर होने वाला है, मैसूर पार करते ही एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट या ढाबा जो भी बोलो आप वो आता है, उसका नाम है जय भुवनेश्वरी मिलिट्री होटल, एक बार हमने बहुत पहले वहाँ पर वो खाया था सुबह सुबह, वहाँ 8 बजे से नल्ली पाया और ठट्टे इडली मिलता है, बहुत मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, बट अभी मुझे डाउट हो रहा है बिकॉज़ अभी क्या, अभी 7 भी नहीं बजे, और जिस स्पीड से हम निकल रहे हैं मुझे लग रहा है हम आधे घंटे से 45 मिनट में वहाँ पहुँच जाएंगे, तो शायद सुबह 7:30 बजे तो ना मिले नाश्ता, कोई नहीं मिलेगा तो नॉर्मल इडली डोसा खा लेंगे कहीं आगे जाके,
बट देखते हैं अगर खुलने तक पहुँचे तो वो आपको खाएंगे। वो बहुत स्पेशल है, बहुत सारे दक्षिण भारत के फूड ब्लॉगर्स ने उसको कवर किया है, तो अगर वहाँ जा पाएंगे तो आपको दिखाएंगे। से रास्ता थोड़ा सा चेंज हो रहा है, अंदर से भी रास्ता है वहाँ से भी। पहले जब हम आते थे तो वहाँ अंदर से जाते थे, वो 2 घंटा लंबा है। पहले जब हम आते थे तो ये 16-17 घंटे का रास्ता था कुर्ग। हम रात को चलते थे तब जाके अगले दिन में पहुँचते थे, मतलब रात को भी 7-8 बजे चलते थे हम। बट जब से ये हाईवे बना है मैसूर वाला, ये रास्ता यहाँ से निकालता है मैसूर हाईवे के वहाँ से, और ये 2 घंटा कम हो गया है। इसलिए वो जैसे ही मैंने उसका वो देखा, मुझे वही याद आया कि लास्ट टाइम हम वहाँ से गए थे। और उस रास्ते की क्या खासियत है कि अगर आप वो अंदर से जाओ तो बहुत इंटरेस्टिंग गांव से ले जाता है, और वहाँ बहुत अच्छे नारियल और ये वाटरमेलन और ये सब फ्रूट्स मिलते हैं। बट वो रास्ता अब लंबा है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। बट जब हम पहले आए थे हम वहाँ से गए थे, और एक अंकल थे उस टाइम पे 30 रुपये का नारियल होता था, आज से 3-4 साल पहले। हमने उनसे डील करी थी कि हमें 10 दे दो 250 में, वो मान गए थे खुशी खुशी। तो 10 नारियल दिए थे और एक एक्स्ट्रा बेबी को पिलाया भी था, तो बहुत सही था। बट अब वो रास्ता नहीं रहा, अब ये हाईवे वाला रास्ता है, तो हम इधर से जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। ये बीपी के पंप में आए थे हम, ये कोडगू कॉफ़ी ग्रोअर्स कॉपरेशन सोसाइटी, मतलब यहाँ के जो कॉफ़ी के किसान लोग हैं उनकी कोई कॉपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने ये खोला हुआ है यहाँ पे बीपी का पंप। बीपी का पंप है भारत पेट्रोलियम। हमने इधर से भरा लिया, अब गाड़ी का थोड़ा शीशा भी गंदा था वो भी साफ़ कर लिया, अब चलते हैं आगे। यहाँ हमने बस 1000 रुपये का भराया, उसका कारण ये है कि आगे ये बैंगलोर तक चल जाएगा, और बैंगलोर के एंड में चिकबालापुर आता है, और चिकबालापुर पे तो वैसे भी वो वाला पंप होता है बीपी का, कंपनी ओन्ड पंप, तो हम वहाँ भरा लेंगे। तो अगर आपको कभी भराना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप कंपनी ओन्ड पे भराओ। कंपनी ओन्ड नहीं मिलता तो सरकारी पंप होता है दूसरा, जैसे पुलिस वालों का पंप होगा या किसी सरकारी गवर्नमेंट एजेंसी का पंप होगा, आप वहाँ भराओ। वहाँ नहीं मिलता तो आप ऐसे जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनके पंप से भराओ। ये भी नहीं मिलता तो आप प्राइवेट भराओ, मतलब ये मेरा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, बिकॉज प्राइवेट में थोड़ा एडल्ट्रेशन का चांस हायर होता है। जो कंपनी ओन्ड होगा उसमें सबसे कम होगा, और ये जो बीच वाले हैं उनमें भी थोड़ा कम होगा, सो मैं इसी हिसाब से भराता हूँ। ये बड़े सही कोकोनट यहाँ पे, हमने एक मलाई वाला लिया है मेरे लिए, ये है ये, और एक वाइफ के लिए वो लिया है पानी वाला, एक बेबी के लिए भी पानी वाला लेना है। बहुत मीठा पानी है, बहुत मीठा बेबी, बहुत मीठा पानी है, पी के देखो, बहुत मीठा है। पापा ने अभी पिया, मज़ा आ गया। ये मलाई बहुत मीठा है, बेबी भी खाएगा, बट उसे पीपी करना है तो वो नीचे गया, उसको भी अभी खिलाएंगे। आजकल हमारे बेबी का फेवरेट हो रखा है कोकोनट मलाई, मैं ये खाता है वो। ये भी खा लो, ये सॉफ्ट वाला है, दो मैं खिला देता हूँ। ये एक नारियल से बस इतना निकला पानी वाले से, ये सॉफ्ट मलाई है, बहुत मीठा होता है जो कम निकलता है। हाँ ये लो, और खाओगे या हो गया और चलो एक बाइट और ले लो फिर खाओगे, ये लो। चलिए अब चलते हैं, पैसे देते हैं, चलते हैं। खाओ ये, मेरी वाइफ को ये खीरे पसंद है, ये मिल गए ये बोरी में, सो हम इसमें से 3 kg निकाल के ले जा रहे हैं घर, ले जाके खाएंगे। हो गए 105 हो गया ना, 30। ये हमने 3 किलो खीरा लिया, और 5 रुपये चेंज नहीं थे उनके पास, तो हमने एक एक्स्ट्रा ले लिया, बोला उसमें नमक लगा दो, हम रास्ते में खा लेंगे। बहुत सही है, पीछे भी था बट पीछे इतना फ्रेश नहीं था, ये वाला बड़ा सही है, ऐसे लग रहा है अभी लाए हैं। बेबी को कैसा लगा खीरा? ये कोई सफ़ेद सा खीरा होता है, हमारे यहाँ नहीं मिलता, ये इस एरिया में मिलता है और बहुत सही होता है ये। चलिए अब लगभग 1/2 घंटा रह गया हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट, तो चलते हैं फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये मैंगो मिला हमें, ये अभी रसपुरी खा रहा है बेबी, और ये बहुत मीठा है, और ये बेबी का फेवरेट है सिंदूरी, इसलिए हमने लिया ये, और ये रत्नागिरी सिंदूरी है, और ये रसपुरी है, ये हैदराबाद में भी मिलता है, ये अल्फोंजो है, कर्नाटका अल्फोंजो,
ये भी मिल जाता है, लिया है हमने 2-3 बार। सिंदूरी कम मिलता है और ये बेबी का फेवरेट है इसलिए हमने लिया है। एक रसपुरी भी कटाएंगे अभी और फिर खाएंगे और सबका टोटल भी बताएंगे आपको क्या है। और ये बेबी रसपुरी खा रहा है, मज़ा आ रहा है उसे, बड़े चाव से खा रहा है, बहुत मीठा है बोला बहुत मीठा है कह रहा है। अभी सीज़न अच्छे से आया नहीं है बट ये आम मीठे हैं, मतलब इन्होंने सही टाइम पे शाम को तोड़ा है। इस साल गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई है और ज़्यादा गर्मी आई है इसलिए अभी भी मतलब अप्रैल में पहले हफ्ते में भी मतलब मीठे आम निकल रहे हैं, सो काफ़ी सही है। हमारे अल्फोंजो का ट्रक आता है तो हमने अल्फोंजो नहीं लिया, बाकी 2 आम लिए। अल्फोंजो हम हैदराबाद में ही ले लेंगे जब हमारे सोसाइटी में ट्रक वाला आएगा। ये हमारी गाड़ी में सारे रास्ते के फ्रूट्स वगैरह पैक हो गए। सबसे पहले तो हमने कोकोनट वाटर पिया, 3 पिया, 3 पार्सल कराया। वहाँ हमने 35 रुपये का रेट लिया तो 210 रुपये का वो था। उसके बाद हमने खीरा लिया, 3 किलो वो वाइट वाला खीरा, उसका हमने 110 दिया और एक खीरा हमने खाया, वो भी पीछे पड़ा है। और अब हमने लेटेस्ट आम लिए हैं, 4 किलो आम लिए। 4 किलो आम टोटल अपने को 680 का पड़ा, जिसमें हिसाब था कि 3 किलो सिंदूरी लिया था हमने, सिंदूरी वो 180 या ऐसे कुछ बोल रहा था। जब हमने 3 किलो लिया तो उसने 500 का 3 किलो दे दिया। और जो रसपुरी था, रसभरी या रसपुरी जो भी बोलो आप उसे, वो उसने 180 का लगाया। तो टोटल हमने 680 पे करे 4 किलो आम के लिए। सही है, इस टाइम पे मिलता नहीं। और मेन क्या है कि रसपुरी तो मिल जाएगा, रसपुरी मैंने 70-80 रुपये किलो ख़रीदा है हैदराबाद में, बट अभी इतनी जल्दी नहीं मिलता हैदराबाद में। और सेकेंडली वहाँ सिंदूरी इतना अच्छा नहीं मिलता जितना कर्नाटका में मिलता है, तो इसलिए मैंने ले लिया, बिकॉज़ मेरे बेटे का सिंदूरी फेवरेट है। मेरे को तो रसपुरी और अल्फोंजो और रसालू ये सब पसंद है वहाँ की लोकल वेराइटीज़, बट अपने बेटे को सिंदूरी ज़्यादा पसंद है इसीलिए उसी के लिए हमने ये 3 किलो लिया है। हाँ, हिमायत भी पसंद है, हिमायत भी खिला देंगे। चलिए चलते हैं मार्केट, देखा यहीं पर लेने आया, ट्राई करते हैं। अच्छा लग रहा है सब्जी देखने में। क्या लेना है? पीच बॉल। ये सब्जी लिया हमने, ये 120 रुपये किलो, वो 120 रुपये किलो, बीटरूट 60 रुपये किलो, करेला 120 रुपये किलो, और क्या लिया, सेबी आई थिंक 80 रुपीज़ किलो है, ये सब लिया हमने। ये बनाना दिखा हमें, ये येलेकी बनाना है, बहुत मीठा होता है ये, और ये ऐसे पहाड़ी एरिया में होता है और कहीं नहीं होता, मतलब प्लेन्स वगैरह में आपको नहीं मिलेगा। ये हम 2-3 किलो ले जाएंगे, 60 रुपये किलो बोल रहे हैं, थोड़ा कज़न वज़न को भी यही दे देंगे, ये बहुत अच्छा होता है, बहुत मीठा होता है। और ये नींबू भी ले रहे हैं हम थोड़े से, नींबू बड़ा महंगा है, 160 रुपीज़ केजी बोला, वाइफ 1/2 केजी ले रही है। ये अब आप सामने देख सकते हो, ये हम छोटी रोड पर आ गए। एक्चुअली हुआ क्या, हमें जाना है जहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, वो हाईवे पे, मतलब वो एक्सप्रेसवे पे नहीं है, वो पुराने वाले मैसूर रोड पे है, तो इसलिए अपने को कोई छोटा सा गांव के अंदर डाल दिया ताकि हम उस रेस्टोरेंट पे पहुंच पाए। अदरवाइज़ अगर हम सीधा हैदराबाद का ही लोकेशन लगा के जाते तो वो एक्सप्रेसवे हाईवे जोड़ के अपने को सीधा निकाल देता आगे, ये गांव मतलब ये छोटी रोड पे नहीं आना पड़ता। बट बिकॉज़ हम ब्रेकफास्ट करने के लिए जय भुवनेश्वरी जा रहे हैं इसलिए हमें ये थोड़ी देर के लिए दिखाया, ज़्यादा नहीं है, 28 मिनट का रास्ता है, और फिर एक बार हम वहाँ नाश्ता कर लेंगे तो उसके बाद फिर वहाँ आगे से अपने को दोबारा एक्सप्रेसवे पे रास्ता जोड़ देगा। तो चलिए चलते हैं, रोड से निकल रहे हैं। इसने अपने को पूरा मैसूर बाईपास करा दिया, मैसूर के पीछे पीछे से हम निकल गए और अब लगभग 10 किलोमीटर में सिरंगापटना आ जाएगा। सिरंगापटना एक शहर है जो मैसूर से जस्ट बाहर है और बहुत हिस्टोरिकल जगह है। वहाँ टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी कुछ जंगें लड़ी थी और मतलब वो मर गए थे अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते। वो टीपू सुल्तान की कैपिटल हुआ करती थी मैसूर किंगडम की, क्या बोलते, सिरंगापटना। वहाँ बहुत अच्छा फोर्ट भी है, हम बहुत पहले एक बार गए थे, शायद बेबी तो भूल भी गया होगा, अब छोटा था, बट हम गए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह थी। चलिए अब हम मैसूर के आउटर से निकल रहे हैं, लगभग 10-12 मिनट में अपना रेस्टोरेंट कम ढाबा आ जाएगा, फिर वहाँ जाके उस ढाबे के बारे में आपको बताएंगे। ये जो आप सामने रोड देख रहे हो, ये भी मैसूर हाईवे है सिरंगापटना शहर से आने वाला, बट ये आई थिंक पुराना वाला है, बिकॉज जो नया एक्सप्रेसवे बना है वो तो एकदम मैसूर के पास निकालता है। ये पुरानी वाली रोड है, जब वो एक्सप्रेसवे नहीं बना था और हम मैसूर आते थे तो हम इससे आते थे, ये भी काफ़ी अच्छी है, बट हाँ ऑब्वियसली उसके जैसी नहीं है, इसमें बीच बीच में शहर आते हैं, जैसे सिरंगापटना शहर के आसपास हैं हम।
और यहीं पे अब अपने को ब्रेकफास्ट करना है। ये कह रहा है बस 2 मिनट का रास्ता है, थोड़ा अपने को यू टर्न लेके आना पड़ेगा बिकॉज वो दूसरी साइड है, वो जो रेस्टोरेंट कम ढाबा है, और वहाँ सुबह से ही भीड़ होनी शुरू हो जाती है। पहले बहुत अच्छा था, वो झोपड़ी जैसा था, अब तो थोड़ा फैंसी हो गया। आपको दिखाएंगे वहाँ, वो झोपड़ी भी है शायद पुरानी वाली, वो होगी तो वो भी दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। और ये है वो जगह जब हम सबसे पहले आए थे, हमने यहीं खाया था, जय भुवनेश्वरी मिलिट्री होटल। पहले यहीं खाते थे, ये छोटा सा मतलब ढाबा स्टाइल था। अब इन्होंने क्या करा है कि अब इन्होंने पूरा रेस्टोरेंट बना दिया इधर, ऐसा जैसे आप देख सकते हो। तो अब आप प्रॉपर उधर बैठ के खा सकते हो। बट जब से सबसे पहले हम आए थे, आई थिंक 2020 में आए थे, 2020 कोविड वाले साल आए थे, उससे एक साल पहले 19 या 20 में आए थे, तब हमने उधर खाया था। तब ये नहीं खुला था, तब ये बन रहा था। अब ये बन के रेडी हो गया तो अब इधर मिलता है। चलिए चलते हैं, ऑर्डर करते हैं। और ये हमारा नाश्ता आ गया। ये है यहाँ का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट पाया। ये एक प्लेट में 2 आते हैं ऐसे बड़े बड़े, और इसके साथ ये इसका करी आता है, और ये थट्टे इडली है। ये एक स्पेशल टाइप की इडली होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इसमें डुबो के खाते हैं। और ये अलग से पीने के लिए रसम देते हैं ऐसे, बड़ा अच्छा लगता है पीने में। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट। मैंने तो एक और आइटम मंगाया, ये मटन चॉप है, थोड़ा अलग सा कुछ मंगाने के लिए। बट जो सबसे फेमस चीज़ है इस रेस्टोरेंट की वो ये है, अगर बहुत सारे कन्नड़ ब्लॉगर्स हैं जिसने इस रेस्टोरेंट को कवर करा है, हमने भी किसी को देख के हम आए थे और हमें काफ़ी अच्छा लगा था। बेबी, ओ बेबी, खाया नहीं? खाया, खा लो, अच्छा लगा। ये एक और पाया मंगा लिया हमने, और खाओगे? वन मोर, ओके। और ये बहुत मज़ेदार है, इसको ऐसे खाते हैं, आप इडली तोड़ो, ये जो ग्रेवी देते हैं उसमें डुबो और ऐसे खाओ। और ये मटन इतना सॉफ्ट है कि ऐसे निकल रहा है पूरा, ये देखो आप कितने प्यार से बोन से निकल रहा है, मतलब ये अच्छे से गल गया। और ये इसका भी सेम है, देखो हमारे बेबी ने खुद अपने आप सारा निकाल लिया, जो नली है वो भी एकदम सॉफ्ट है, और टेस्ट बहुत अमेजिंग है। मैं एक इडली पूरी ख़त्म कर चुका हूँ, इतनी बड़ी इडली थी, मुझे और भूख लग रही है तो मैं एक और लूँगा, मतलब इतना अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद खाया, बहुत मज़ा आया। लास्ट टाइम आई थिंक हम 1.5 साल पहले आए थे हमारे मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ, उसके बाद हम आज आए अमेजिंग। ये मैंने मटन चॉप ख़त्म कर लिया, अब मैं ये पाया खा रहा हूँ, बहुत सही है, मतलब एकदम पका हुआ है। और ये बहुत हेल्दी चीज़ होती है खाने के लिए, अगर आप कभी भी जैसे हड्डियों का प्रॉब्लम होगा तो, नहीं ग्रेवी है, थैंक यू। अगर आपको हड्डियाँ वीक हैं या कुछ हैं तो डॉक्टर हमेशा बोलेगा पाया सूप पियो, पाया खाओ। मेरी वाइफ को भी डेंटिस्ट ने बोला है, बट घर पे तो बहुत मेहनत है तो हम नहीं बना पाते, बट हाँ कभी ऐसी जगह आते हैं तो ट्राई करते हैं। बहुत मज़ा आया ये पाए में। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया, अभी ब्रेकफास्ट डिटेल देते हैं। ये सामने बोर्ड है सिरंगा पटना का, बट अपने को यू टर्न लेना है। हम उधर से आए थे, ये खाने के लिए हम अंदर गए थे, और अब यू टर्न लेके हम जाएंगे मैसूर की ओर। तो चलिए चलते हैं। ये आपको थोड़ा बिलिंग का आइडिया दे देते हैं। अपना टोटल बिल आया 780 रुपये। सो हमने क्या करा था, हमने 2 प्लेट पाया लिया था, एक प्लेट पाए में 2 पाए आते थे, तो हमने टोटल 4 पाए लिए थे। बेबी ने 2 खाए, उसकी मम्मी ने 1 खाया, मैंने 1 खाया। तो ये 480 का था, मतलब 240 रुपये प्लेट थी, तो 480 में अपने को 4 पीस मिल गए थे। फिर हमने एक मटन वो लिया था, क्या बोलते उसको, मटन सूप तो नहीं था, मटन चॉप्स, हाँ चाप बोला था उसने। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा मटन का एक रिब का पीस आया था, और उसके साथ ग्रेवी आई थी, वो 180 का था। और फिर इडली खाई हमने, इसने 5 इडली लिखी है, 5 ही खाई या 6 खाई, मैंने बोली तो 6 थी, बट मैंने बिल पहले देखा नहीं था, मैंने अभी देखा इसने 5 लिखा है, पता नहीं कुछ होगा हिसाब, वो 100 रुपये का है। और फिर एक लास्ट में क्या लिखा, थम्सअप 20 रुपये की है। तो 580 हाँ सही है बिल, एकदम सही बिल है, 780 रुपये का। सो अपना हो गया ब्रेकफास्ट। अब क्या है, अब अपने को ये रोड आगे वहाँ पे लेके जाएगी, ये रोड भी सीधा बैंगलोर जाएगी, बट ये थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा लेगी। तो क्या है कि ये अपने को अब NH 275 पे जोड़ देगा आगे जाके, जो एक्सप्रेसवे है मैसूर एक्सप्रेसवे, उसका कट आएगा, यहाँ दिखा रहा है कि 1.5 किलोमीटर में कट आएगा, तो वो लेना बोल रहा है। तो चलिए वहाँ चल। और इस ट्रिप में एक बहुत ख़ास चीज़ हुई, हमारी गाड़ी के 1,00,000 किलोमीटर पूरे हो गए, आप देख सकते हो 1,112 किलोमीटर हो गए। मैंने वैसे सोचा था कि जब ये 99,999 और 1,00,000 के बीच होगा तो आपको दिखाएंगे,
बट क्या बोलते हैं, पाए खाने के जोश में मैं वो भूल ही गया उसके बारे में। और ये 112 किलोमीटर पहले 100,000 किलोमीटर पार कर गई। अभी इसका हम रिव्यू भी बनाएंगे गाड़ी का, अभी तो नहीं कुछ हफ्तों बाद बनाएंगे, बट 100,000 किलोमीटर का डिटेल्ड रिव्यू देंगे आपको, जिसमें सब बताएंगे 100,000 किलोमीटर में क्या क्या हुआ, क्या क्या सामान चेंज हुआ और क्या क्या इश्यूज आए, क्या अच्छी चीज़ें हैं। वैसे तो हम अगर 100,000 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं मतलब गाड़ी सही है, मेजर कुछ हुआ नहीं हमारे साथ, हल्की फुल्की छोटे मोटे कुछ इश्यूज़ आए वो आपसे शेयर कर लेंगे उस वीडियो में। वैसे भी एक दो हफ्ते कहीं घूमने नहीं जाना तो वो वाली वीडियो बना लेंगे। चलिए चलते हैं बैंगलोर की ओर, अभी बैंगलोर है यहाँ से 120। सामने का नज़ारा देखो आप कितना सुंदर है, नारियल के खेत हैं और पहाड़ है और कुछ नहीं दिख रहा, और इन दोनों के बीच में है एक खाली रोड, मतलब नारियल के खेत और पहाड़ को चीरती हुई एक रोड हाईवे ये वाला, और बस और कुछ भी नहीं, बड़ा सुंदर सीन है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, बट वहाँ एक पत्थर है ऊपर चोटी पे, वो वहाँ पे पता नहीं समझ आ रहा है नहीं, बट वो ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी ने ऐसे लगाया हुआ है, ऐसे लग रहा है जाके उसे धक्का दोगे तो गिर जाएगा, मतलब एकदम बैलेंस हो के पड़ा है ऐसा लग रहा है, बट हाँ नहीं होगा तो अच्छे से। एक ऐसे यहाँ पे साउथ इंडिया में आई थिंक हम्पी के पास है एक कृष्णाज रॉक करके एक है जगह, मैं गया नहीं हूँ बट मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, वहाँ पे एक ऐसे बहुत गोल सा पत्थर है, वो देखने में ऐसे ही लगता है कि हल्का सा धक्का दो और वो पूरा नीचे आ जाएगा, बट वो हज़ारों सालों से वहीं पर है। कभी मौका लगेगा तो जाएंगे देखेंगे। और अब ये मैसूर एक्सप्रेसवे से हम बाहर आ गए और ये कोई दूसरी रोड आ गई, NH 48 बता रहा है ये इसको, आई थिंक NH 48 अगर मुझे सही से याद है तो ये बॉम्बे से चेन्नई जाती है शायद, मैं पक्का नहीं बट मुझे ऐसे लग रहा है, याद आ रहा है कुछ, NH 48 शायद वही थी जो हमने वहाँ जाते हुए भी पकड़ी थी गुजरात में भी। हाँ आई थिंक ये नॉर्थ में कहीं दिल्ली के पास से कहीं चेन्नई तक जाता है, आई थिंक ये वो वाला रोड है, 27 नहीं है 48 ही है आई थिंक, जिसमें हम गए थे वहाँ जब हम गुजरात गए थे तब जो हमने यूज़ किया था। चलिए अभी ये कुछ किलोमीटर के लिए बता रहा है, 15 किलोमीटर ऑलमोस्ट के लिए, फिर उसके बाद दोबारा रोड चेंज होगी तो देखते हैं, अभी तो जा रहे हैं। ये अब हमारा ये वाला रास्ता ख़त्म हो गया, अब ये कोई नया रास्ता बना है और इसका नाम है विद्या नारायणपुरा और नंगरजुड़ा रोड, ऐसे कुछ नाम है, और NH 4 NH 75 बोल रहा है 600 मीटर में, सो इधर कहीं जाने को बोल रहा है। पहले क्या होता था, हम पूरा बैंगलोर के बीच से जाते थे, बट पिछली ये दूसरी ट्रिप है हमारी कि इसने हमें बैंगलोर नहीं डाला, ये कोई साइड की रोड में डाला है, और यहाँ से ये अपने को बैंगलोर बाईपास कराता है, आउटर से सीधा चिकबालापुर ले जाता है, तो ये अपने लिए भी नया ही रास्ता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे जो जो मतलब जगह आएगी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ से निकले। ये आप बाहर देखो लोग मज़े से क्रिकेट खेल रहे हैं, 34 डिग्री है अभी टेम्परेचर 34, बट हाँ मैं भी दिल्ली की गर्मी में बचपन में 45 डिग्री में खेलता था, बड़ा मज़ा आता था। अब तो हिम्मत नहीं है, अब तो थोड़ी देर गर्मी में रहो तो हालत ख़राब हो जाती है, बट हाँ बचपन में तो मज़ा आता था, इन लोगों को देख के वही याद आ गई। चलिए अपने को यहाँ से यू टर्न लेना हैदराबाद जाने के लिए, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है, तो चलते हैं। ये हम इधर से निकल रहे बैंगलोर के आउटर के पास से, और इधर बैंगलोर का आइकिया आ गया है। ये जब खुला था यहाँ पूरा न्यूज़ में आया था, ट्रैफिक जाम हो गया था, और ये जितना मुझे याद है इंडिया का दूसरा आइकिया है, सबसे पहला हैदराबाद में खुला था, हैदराबाद में है जहाँ से बीवी ने अपना टॉय डॉगी लिया, मैं आज तक वहाँ नहीं गया, बेबी गया था एक बार बहुत छोटा था, तो तब हम हैदराबाद में रहते नहीं थे, हम कुछ दिनों के ऑफिस के काम से मैं आया था, तो बेबी और बीवी भी साथ आए थे, तब ये लोग गए थे। यहाँ पे ये बोर्ड है आइकिया, इतना बड़ा बहुत सही होता है यहाँ पे फर्नीचर वगैरह, थोड़ा महंगा होता है बट काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छा होता है, यहाँ पर है ये, बहुत न्यूज़ में आया था जब खुला था, यहीं सामने कोई मेट्रो स्टेशन है इसी के सामने है, मैं इसके US वाले उसमें गया हूँ स्टोर में, वो तो बहुत बढ़िया होते हैं, हाँ बहुत बड़ा होता है, इंडिया में भी वैसे ही बनाया है, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, पूरे रूम के लेआउट्स होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये है नागासंद्रा मेट्रो स्टेशन के सामने, तो चलिए चलते हैं बैंगलोर निकलते हैं। ये घूम फिर के बैंगलोर शहर तो हम आ ही गए, हमारे बाईपास करने के सपने
सपने ही रह गए। पिछली बार हम NH 44 से आए थे तो कोई गांव की रोड में डाला था उसने, बट इस बार ये हम मैसूर साइड से आए हैं तो ये रास्ता थोड़ा अलग है। तो मुझे लग रहा था, उम्मीद थी कि बैंगलोर बाईपास होगा, बट नहीं हुआ। घूम फिर के हम बैंगलोर के शहर में आ ही गए और ट्रैफिक में फंस ही गए। चलिए, अब यहाँ से हमने सबसे पहला लोकेशन लगाया चिकबालापुर का। वो इसलिए क्योंकि चिकबालापुर में कंपनी ओन्ड बीपी पंप आता है और वो आखिरी कंपनी ओन्ड बीपी पंप है हैदराबाद के रास्ते में कर्नाटका के अंदर। और इस पूरी ट्रिप में सबसे सस्ता डीजल यहीं है कर्नाटका में, लगभग 11-12 रुपए सस्ता है आंध्रा और तेलंगाना से। तो हम वहीं पे अपना टैंक फुल करा के जाएंगे। अब वो रह गया 1 घंटा और 58 किलोमीटर्स, सो चलिए चलते हैं। जद्दोजहद के बाद बैंगलोर से अभी भी हैं तो हम बैंगलोर में ही, लेकिन हम फाइनली अब आ गए हैं NH 44 पे, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे। और यही हाईवे ये लेफ्ट है, जैसे हम लेफ्ट लगाएंगे तो हम उस पे आ जाएंगे। बस हम वेट कर रहे हैं कि ये ट्रैफिक थोड़ा आगे जाए तो हम लेफ्ट पकड़ लें। लेफ्ट में है NH 44 और ये सीधा ले जाएगा अपने को हैदराबाद। सीधा चलते गए कहीं नहीं रुके तो श्रीनगर ले जाएगा, बट इतनी हिम्मत हम में नहीं है तो हम तो हैदराबाद जाएंगे। और अपना पेट्रोल पंप भी अब आने वाला है, अब यहाँ से लगभग 50-50 किलोमीटर्स बता रहा है पेट्रोल पंप। तो चल रहे हैं बैंगलोर से, हम बैंगलोर क्रॉस कर रहे हैं और आप देख सकते हो यहाँ बहुत सारे ऑफिसेज हैं। अभी पीछे कम से कम 10-15 MNC के ऑफिस एक बिल्डिंग के बोर्ड में दिखे थे अपने को। और बैंगलोर जो है ये फेमस है पूरे इंडिया में IT के लिए, ये IT कैपिटल ऑफ इंडिया है। और जैसे बाहर क्या बोलते हैं, US में सिलिकन वैली है, मतलब कैलिफोर्निया में जहाँ ये सारे बड़े बड़े टेक कंपनीज और बड़े बड़े टेक स्टार्टअप्स हैं, वैसे इंडिया में बैंगलोर है। यहाँ बहुत कंपनियाँ हैं, IT की भरा हुआ है पूरा। बट अभी तो बैंगलोर गलत चीज़ों के लिए आ रहा है न्यूज़ में, और ये है मॉल ऑफ एशिया, फिनिक्स मॉल। क्या बात है, बड़ा सही है। ये जब खुला था कहीं न्यूज़ में आया था ऐसा लगा। और अभी तो बैंगलोर वैसे गलत रीजंस के लिए न्यूज़ में आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे अभी पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ पे पानी बहुत कम है। लोगों को बोला जा रहा है आप घर से काम करो बिकॉज ऑफिस में पानी नहीं है। लोग घर छोड़ के अपने गाँव ऑफिस जा रहे हैं बिकॉज पानी नहीं है। बहुत मतलब दिक्कत है। इस साल एक्चुअली हुआ क्या, पिछले साल बारिश बहुत कम हुई है, बिकॉज हमारे घर से तो 500 किलोमीटर ही है बैंगलोर से, लगभग सिमिलर होता है, तो पता लगा था पिछले साल बारिश बहुत कम हुई थी, अदरवाइज बहुत बारिश होती थी। और यहाँ पे क्या है, हर साल टेम्परेचर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लग गया है यहाँ। पुराने लोग बोलते हैं, अपने को तो इतना नहीं पता, बट बोलते हैं कि पहले जो बैंगलोर का वेदर था मस्त वाला, वो नहीं है। तो चलिए सामने निकल रहे हैं, हम ये रोड जाएगी सीधा हैदराबाद की ओर, वहीं हम जा रहे हैं। और अब यहाँ पे भारत पेट्रोलियम का कंपनी ओन्ड पंप आखिरी इस रोड में कर्नाटका वाला आ गया। सामने आप देख सकते हो घर करके बना हुआ है। जहाँ पे भी ऐसा घर बना हो बीपी के पंप में तो आप समझ जाओ वो कंपनी ओन्ड पंप है, बीपी घर बोलते हैं इसको। आज किसी ने कमेंट में पूछा है कि आप कैसे पता करते हो कि ये कंपनी ओन्ड है, तो दो चीज़ें होती हैं, अगर बीपी है तो बीपी घर लिखा होगा। और यहाँ पे जैसे आप देखो सामने नम्मा कोको लिखा है, COCO, कोई भी ऐसा पंप जिसमें COCO लिखा हो तो कंपनी है, ओन्ड है। COCO का फुल फॉर्म होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, तो इससे आपको पता लग जाएगा कि वो कंपनी ओन्ड पंप है। तो हम यहाँ आ गए हैं, आगे एक और बोर्ड है वो भी दिखा देंगे आपको, उससे भी थोड़ा आइडिया होता है, बड़ा बोर्ड भी होता है, बट अगर आपको COCO दिखे तो आप समझ जाओ। ये हम रुक गए इस पंप पे और हम डीजल भरा रहे हैं, और वो सामने वो जो ट्रक है उसके सामने एक बोर्ड है, उस पर लिखा है कंपनी ओन्ड, पता नहीं आपको समझ आ रहा है नहीं। सो ऐसे इंडिकेटर होते हैं अगर आपको कंपनी ओन्ड पंप पता करना है, या तो COCO लिखा होगा, COCO का मतलब होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, या फिर बीपी घर का ऐसे बोर्ड लगा होगा, जैसे वो वाला बोर्ड है बीपी घर ऊपर, वो भी इंडिकेशन है। बीपी के लिए तो बीपी घर होता है तो कंपनी ओन्ड होता है, और बाकी अगर पेट्रोल पंप है आई थिंक IOC का स्वागत या कुछ होता है, और COCO लिखा होगा, सो मेन वो है। अब हम भराते हैं, देखते हैं कितना जाएगा, जितना जाएगा उतना भराएंगे, इधर कम है रेट, और फिर आगे चलेंगे। और ये बीपी के कंपनी ओन्ड पंप्स की एक और ख़ास बात है कि जितने भी पंप्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज वाला ये पक्का होगा,
मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करने का होगा, और ये है बोर्ड जो मैं बता रहा था। अगर आपको ऐसा बोर्ड कहीं पे भी दिखे तो आप समझ जाओ कि ये कंपनी ओन्ड पंप है। कंपनी ओन्ड पंप में क्या है कि उसका चांस कम होता है एडल्ट्रेशन का। प्राइवेट पंप में तो अब बंदा थोड़ा लालच कर सकता है। अब कंपनी ऑपरेट करेगी तो वो प्योर माल देगी, ऐसा मतलब सोचा जा सकता है। जनरली कंपनी ओन्ड पंप्स में इसलिए भीड़ होती है। मैं हमेशा वहीं से भराता हूँ, और मेरा इस बात पे विश्वास बढ़ इसलिए भी लिए गया है बिकॉज बहुत लोगों को डीज़ल फिल्टर में इश्यूज आते हैं। बिकॉज डीज़ल इंजन में थोड़ा अगर फ्यूल ख़राब हो तो इंजन को बहुत डैमेज करता है। मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं जिसमें लोगों की गाड़ियाँ रुक गई हैं चलते चलते, इंजन में बहुत काम हुआ है ख़राब डीज़ल की वजह से। मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं एटलीस्ट 70-80% मैं कंपनी ओन्ड पंप पे या सरकारी पंप पे भराता हूँ। जैसे मेरे ऑफिस के पास एक कंपनी ओन्ड तो नहीं है बट एक पुलिस का पंप है, जो मतलब पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो लोग चलाते हैं। सो वहाँ जनरली डीजल प्योर होता है, इसलिए हम वही भराने की कोशिश करते हैं। चलिए अब गाड़ी पे आ गए, बीवी भी आ गई, वो वॉशरूम गई थी, अब चलते हैं। ये हम लोग आ गए हैं बागपल्ली बॉर्डर, ये टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजा को पार करके अगर 200 मीटर आगे जाया जाएगा तो बॉर्डर आ जाएगा। सो हम अब कर्नाटका पार कर चुके हैं दिन भर घूम के। गाड़ी सुबह से चल गई है 360 किलोमीटर और अभी भी हमारा घर ऑलमोस्ट 490 किलोमीटर बचा है। सो अभी भी काफ़ी है, तो चलिए इसे पार करते हैं। अब खाना खाना है, कुछ बड़ी भूख लग रही है। आते में अपने को बहुत सही रागी मुड्ढे और चिकन करी मिल गया था, अभी वही ढूंढ रहे हैं बट मिला नहीं है। अब ये पार करके ढूंढते हैं, थोड़ी देर नहीं मिलेगा तो फिर सांभर राइस या जो भी मिलेगा खा लेंगे। पहले कोशिश करते हैं कि चिकन करी मिल जाए। ये आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे, अब आपको आंध्रा के शहर दिखेंगे, पेनुकोंडा, आनंदपुर, कुरनूल और हैदराबाद। ये इसलिए है बिकॉज अब गूगल मैप के हिसाब से हम डॉट बॉर्डर पे हैं और अब हम आंध्र प्रदेश लगभग एंटर कर चुके हैं। लगा लीजिए 50 मीटर में लिखा है क्या, अच्छा ओ खाने का भी कुछ दिखा। और ये आप देख सकते हो हम प्रॉपर आंध्र प्रदेश में है, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। यहाँ से किया फैक्ट्री है 40 किलोमीटर दूर और अभी टाइम हो गया 2:15 तो आई थिंक 3 बजे के आसपास हम किया फैक्ट्री में होंगे। अब क्या है, खाने की थोड़ी हो गई है दिक्कत, 2:15 हो गए हैं, भूख लग गई है, खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा। दाल चावल मिला था पीछे एक बहुत बढ़िया से पंजाबी ढाबे का बोर्ड था, तो दिल में उम्मीद जागी कि शायद उड़द चने वाली दाल मिले, माँ की दाल, तो हम गए पूछने बट वो थी नहीं, वो कह रहे थे मूंग चने की दाल है, तो वो फिर मतलब मन हमारा खट्टा हो गया उस बात से, तो हमने खाया नहीं। ओरिजिनल ऑथेंटिक दाल मिलती तो हम खाते पंजाबी दाल। बट अब आगे जा रहे हैं, आगे एक जगह आती है किया फैक्ट्री से थोड़ा पहले, जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ढाबे हैं। वहाँ पर अगर रागी मुड्ढे और चिकन करी मिलेगा तो खा लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो अब दाल चावल भी मिलेगा तो अब खा ही लेंगे, बिकॉज अब हम काफ़ी लेट हो गए हैं। रात को डिनर भी रास्ते में ही कहीं करना पड़ेगा, सो टाइम पे खा लेते। बेबी भी हंगरी है, वो बेचारा एक्साइटेड हो गया था दाल सुन के बट उसे मिली नहीं। चलिए ढूंढते हैं। ये फाइनली हमें लंच मिल गया, ये है मटन बोटी, ये है चिकन करी, एक राइस ले लिया हमने। एक्चुअली इस ढाबे पे रागी मुड्ढे नहीं है बट दूसरे वाले ढाबे पे है, तो मैं वहाँ जाके पार्सल करा के लाया रागी मुड्ढे और ये राइस है। सो हम दो अलग अलग ढाबों का खाना खा रहे हैं। यहाँ हमने थोड़ा दही भी लिया, अभी कितने का है कुछ अपने को समझ नहीं आया। ये दो रागी मुड्ढे तो मैं 40 रुपीज़ के लाया हूँ, एक ऐसे पैक है, एक हमने खोल लिया। सो चलिए खाते हैं फिर चलते हैं। ये हमारा लंच हो गया, हमने रागी मुड्ढे खाया, ये चिकन करी था, इसमें भयंकर मिर्च थी बट अच्छा लगा खाने में। और ये इसमें मटन बोटी लिया था हमने, उसमें थोड़ा कम मिर्च था, वो हमने ज़्यादा खाया। बेबी ने भी खाया, कैसा लगा? हाँ अच्छा लगा, नहीं लगा। क्या हुआ, बोल नहीं पा रहा बेटा हमारा मिर्च से। बट चलिए अब हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया, ये हमने दही भी लिया, लास्ट में थोड़ा खा लेंगे, मिर्ची कम होगा। ये पानी में भी हमने दही मिक्स कर दिया था इसी चक्कर में, अब फटाफट खा के अब चलते हैं। इधर लंच किया था हमने संध्या होटल, वो हमने एक्चुअली वो बोर्ड देखा था जिसमें रागी मुड्ढे और चिकन करी बना था, सो वही देख के हमने खाया था। यहाँ रागी मुड्ढे ख़त्म था सो हम उधर से लेके आए थे लक्ष्मी होटल, तो रागी मुड्ढे हमने इधर से लिया था और हमें पढ़ के तो समझ नहीं आता बट हाँ हमें फ़ोटो में दिखा था कि रागी मुड्ढे बना हुआ है, सो हमने यहाँ से लिया और फिर हमने खाया। और ये किया फैक्ट्री से लगभग 25 किलोमीटर पहले ये ढाबे आते हैं और ये एकदम एक तालाब के साइड में आते हैं,
ये तालाब ऐसे बहुत पानी होता है, इसमें बहुत दूर तक पानी दिखता है, बट इस बार कम है। इसी के साथ में एकदम ये लाइन से तीन चार ढाबे हैं जो हमने आपको दिखाए, इसी में खाया अपने को। थोड़ा बिल का आइडिया देते हैं आपको। सो हमारा बिल आया 370 रुपये। तो 40 रुपये के तो हमने पहले रागी मुड्डे लिए उस दूसरी दुकान से, फिर हम इधर आए। इधर हमने एक चिकन करी, एक बोटी, एक चावल और दो दही लिए। सो इसमें जो हिसाब मुझे समझ आया, 160-170 का तो चिकन करी था, 100 रुपये का बोटी था, सो 270 वही हो गया। और जो बाकी कितने लिए, 60 रुपये और लिए, वो जो बाकी 60 रुपये लिए उसमें राइस और दही था। सो ये था अपना हिसाब इधर का। पेट अच्छे से भर गया। सामने आप देख सकते हो अनंतपुर से निकल रहे हैं हम, अनंतपुर की पहाड़ियाँ। गर्मी भयंकर होती है इस एरिया में, 40 डिग्री के आसपास गाड़ी टेम्परेचर बता रही है। हमने तो मीठा मीठा क्या बोलते हैं 24 पे एसी चलाया हुआ है, फुल ब्लोअर पे चल रहा है एसी, बिकॉज गर्मी इतनी है बाहर। अब किया फैक्ट्री आएगा तो आपको थोड़ा बहुत वो दिखाएंगे और फिर आगे चलेंगे। ये गर्मी क्या बोलते हैं बीट करने के लिए हम आइसक्रीम खा रहे हैं सियोल स्टोर से, और कुछ नहीं लिया हमने, बस 3 आइसक्रीम ली। वाइफ ने वो वाली ली चॉकोबार टाइप बेबी, और मैंने क्या बोलते हैं कोन वाली ली। सही है, यहाँ शेड है बैठ के खाने के लिए। वो वहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है हाईवे पे, ये ख़त्म करेंगे फिर जाएंगे। बेबी को कैसा लग रहा है आइसक्रीम? मिर्ची लग रही थी ना खा के, अब अच्छा लग रहा है। इधर ये सियोल स्टोर है जहाँ हमने आइसक्रीम खाया, इसके ऊपर कोरियन रेस्टोरेंट है एक, और बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे एक इसी के साथ में वैशाली फैमिली रेस्टोरेंट करके है, और इसके इलेक्ट्रिक चार्जर्स हैं यहाँ। बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आओगे लंबे रूट पे हाईवे पे, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज कर सकते हो। 2 चार्जर्स दिख रहे हैं, और अंदर आई थिंक वो रेस्टोरेंट होगा, तो काफ़ी सही है। हमारा छोटा सा ब्रेक हो गया, आइसक्रीम खा ली हमने, अब चलते हैं। देख सकते हो किया फैक्ट्री आ गई है। ये हमारी किया की कर्म भूमि तो तेलंगाना है, हैदराबाद जहाँ हम रहते हैं वहाँ चलती है गाड़ी सबसे ज़्यादा। बट ये बहुत बड़ा प्लांट है, ये 2-4 किलोमीटर है, और इसके जो सप्लायर्स फैले हुए हैं यहाँ से लगभग 50-80 किलोमीटर, लगभग कर्नाटका बॉर्डर तक इसके सप्लायर्स फैले हुए हैं यहाँ से शुरू होके। सो बहुत है, और यहाँ बहुत सारी इसलिए कोरियन खाने वाने की दुकानें भी हैं, बिकॉज़ यहाँ किया की फैक्ट्री है, तो कोरियन लोग वगैरह आते होंगे, कोरियन रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। काफ़ी सही, 3 शिफ्टों में काम होता है। पूरे इंडिया में इकलौती किया की फैक्ट्री है, और पूरे इंडिया में और कहीं भी नहीं है किया की फैक्ट्री। तो जितनी भी गाड़ियां किया की बनती है यहीं बनती है। अभी 3 मॉडल हैं, कैरेंस, सेल्टोस और सोनेट। हमारी सोनेट है जो किया बेच रहा है, पहले कार्निवल भी बेच रहा था, अभी कार्निवल बंद कर दी, शायद दोबारा लाएगा, और इस साल एक दो नए मॉडल भी लाएगा। बट हाँ, हमारी गाड़ी किया है, हम उससे बड़े खुश रहते हैं, तो जब भी ये फैक्ट्री देखते हैं तो हमें वही याद आता है। चलिए अब आगे चलते हैं। पहले यहाँ पे एक शॉप है, इस पर कटहर बेचते थे, मैंने 2-3 बार लिया, बट आज कटहर नहीं है, आज पपीता है। पपीता भी अच्छा है, एकदम हरा हरा। चलो पूछते हैं, एक आध कटहर तो नहीं है। ये वो दुकान है जिससे हम पहले कटहर लेते थे, जैक फ्रूट, बट अभी वो नहीं है, पपीता है यहाँ पे। आई थिंक जो लोकली गांव में बिकता है ये वो लाते हैं, तो अभी पपीता होगा तो पपीता लाए हैं। हम लेंगे ये 30 रुपीज़ केजी बोला, और 3 किलो टाइप लेंगे, देखते हैं। ये आप सामने देखो, ये झंडा लेके लोग जा रहे हैं, ये पानी मांग रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या, पीछे भी कोई मांग रहा था ऐसे, तो मैंने रोक दिया और मैंने उनकी बॉटल भर दी। तो जैसे ही मैंने उनकी बॉटल भरी तो बोलने लग गए कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इतने लोग हैं, हम बीमार हैं, आप पैसे दे दो, ये दे दो। तो मुझे समझ आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मत रोको, बिकॉज़ आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। आप वो वैसे तो वो बस वो पैसे मांग रहे थे, और मेरे पास चेंज है भी नहीं आज, मैं खुद जीपे करते हुए आ रहा हूँ पूरे रास्ते। तो मेरे साथ ये पहली बार हुआ है, मतलब जब हम आ रहे थे तब भी हमने लोगों को देखा था ऐसे बॉटल करके रोकते हुए, तब हमने रोका नहीं था, बिकॉज़ हमें समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। अभी तो मेरे को समझ आया, ये बॉटल दिखा रहे थे, मतलब पानी मांग रहे हैं, तो मैंने रोक लिया कि इतनी गर्मी है यार, पानी तो देना ही चाहिए। बट फिर मुझे समझ आ गया कि ये पानी नहीं, एजेंडा कुछ और ही है। तो अगर ऐसा हो, आप फैमिली के साथ हो, ऐसे ज़्यादा लोग हों, तो आप ध्यान से चलो, स्पेशली अगर आप ऐसी जगह हो जहाँ आपको भाषा भी नहीं आती। ये महाराष्ट्र के कह रहे थे इनको, मतलब हिंदी में ही बात कर रहे थे, तो मेरे को समझ आ रहा था, बट ऐसा हुआ। अब इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हर कोई उससे करता होगा, मतलब
पैसे के लिए ही करता होगा, शायद किसी को जेन्युइनली पानी भी चाहिए, मतलब गर्मी तो है, कोई जेन्युइनली पानी भी मांग रहा होगा, बट बिकॉज लोग ऐसा करते हैं तो आप हमेशा डरोगे जेन्युइन वाले को देने के लिए भी, जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि अब मैं नहीं रोकूंगा अगर ऐसे कोई करेगा तो। फिर अब मेरे दिमाग में वो बैठ गया कि नहीं नहीं ये तो कुछ और कारण से रोक रहे हैं। तो चलिए जो भी है, ये सामने हम निकल रहे हैं आनंदपुर से, मेरे साथ हुआ तो मैंने कहा आपको बताऊँ, ये आनंदपुर की साइड से हम निकल रहे हैं। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है, एक आम के बगीचे होते हैं या मौसमी के बगीचे होते हैं और हल्का फुल्का ट्रैफिक होता है, घर वर ज़्यादा होते नहीं है। बहुत गर्म जगह है ये, अभी 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है बाहर। चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं, अब आनंदपुर शहर आएगा, फिर कुरनूल शहर आएगा, फिर हम तेलंगाना जाएंगे फाइनली। यहाँ से यू टर्न मार रहे हैं क्योंकि हमारे बेटे का जो फेवरेट आइसक्रीम था उसने जो जाते हुए खाया था, क्या था, कलपत्रू, नहीं नहीं क्या नाम था, बिल्लम आइसक्रीम, मतलब गुड़ वाला आइसक्रीम, वो यहाँ पीछे निल्लई पे मिलता है और ये निल्लई निल्लई का बोर्ड दिखा मैं, ओ आगे वहाँ पे है निल्लई, तो वहाँ जा रहे हैं। हमने जाते हुए मिलेट डोसा वोसा खाया था, अच्छा लगा था। यहाँ वो चाय भी मिल रही है यार, वो वाली चाय जिसमें वो डालते हैं 160 रुपये किलो वाला चीनी, सॉरी 300 रुपये किलो वाला चीनी, पाम जागरी, जो पाम के मतलब खजूर के रस से बनता है वो चीनी। हाँ पाम ट्री, खजूर के पेड़ का भी पाम ही कैटेगरी होता है, दूसरा भी पाम ही होता है। हाँ वो रस, मतलब दोनों सेम टाइप के पेड़ है जिससे रस निकल। बस भी रुकी है यहाँ तो बाकायदा, क्या बात है। हाँ सही है, चलिए यही है वो निल्लई वो जगह। तो यहाँ अभी वो आइसक्रीम ट्राई करेंगे, अगर चाय होगी चाय पियेंगे। मेरे को हलवा लेना है, वो हलवा बड़ा अच्छा था, तिरुना वेलवी गुड़ वाला हलवा, तो वो भी खाएंगे। ये पार्सल करा रहे हैं हम, तिरुना वेलवी हलवा 200 ग्राम। हाँ हो गया, हो गया। ये हम इधर स्पेशल बेल्लम टी पी रहे हैं, बेल्लम टी गुड़ वाला है ना, तौडी बेल्लम, तौडी बेल्लम टी, ये उसमें उन्होंने रखा है, वो है शुगर तौडी बेल्लम, ये है ओ ओके, हाँ 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 टी टी, अच्छा ये है, ये उससे बनता है खजूर के ऐसे जो पेड़ होते हैं खजूर और टॉडी के, इसके पेड़ से रस निकाल के ऐसे गुड़ बनाते हैं और इस गुड़ का वो चाय बनाए। ये इस रोड पे और कहीं नहीं मिलता, यहीं मैंने ट्राई किया और ये फाइनली मिल गई टॉडी बेल्लम टी, अभी बनवाई मैंने। थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी मिठास अलग है, उतना मीठा नहीं है, इवन तो उसने एक चम्मच भर के डाला था वो वाला क्या बोलते हैं उसका रस, बट उतना मीठा नहीं है। बेबी आइसक्रीम खा रहा है, बेबी को भी दिखा दो, कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो बेबी, हाँ विच वन, गुआवा फिग, गुआवा फिग जैक फ्रूट, क्या बात है क्या बात है, गुड गुड। और हमने वो भी लिया, हलवा भी लिया थोड़ा सा पार्सल के रास्ते में खाने के लिए, और एक आइसक्रीम भी है वो भी खाएंगे रास्ते में। तुम लोगों को भी पार्सल कराना है? हाँ। क्या वो सेम आइसक्रीम जो आपने? चलो देखते हैं इफ बेबी इज अ गुड बॉय। ये सामने बोर्ड लगा है और इस जगह के 100 से ज़्यादा फ्रेंचाइजी हैं, निल्लई क्या नाम है इसका, और यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली सारी तमिलनाडु में जगह हैं, वो जैसे कोयम्बटूर है, मेट्टुपल्लयम है, बैंगलोर कर्नाटका में है, अनंतपुर तो यहाँ हो गया, तिरुपति ये आंध्र प्रदेश हो गया, नेल्लोर आंध्र प्रदेश हो गया। वाओ बहुत जगह हैं, नॉर्थ में नहीं है बट यहीं है, क्या बात है। ये बेबी और मैं, हमने वो आइसक्रीम ली थी गुड़ वाली, क्या बोला उसने, बेल्लम आइसक्रीम, बेल्लम गुड़ वाली, वो वाला गुड़, वो वाला पाम जागरी वाला, और इसमें नट्स भी हैं, और सबसे बेस्ट है मटके में, ऐसे मतलब ऑर्गेनिक कवर में है, इसको खा के आप फेंक दो, ये टूट जाएगा, ज़मीन में समा जाएगा बारिश के टाइम पे, ज़मीन से आया है ज़मीन में मिल जाएगा, बस इतनी सी इच्छा है इस कप की, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। सामने देख सकते हो आप नज़ारे मज़ेदार हैं, वहाँ पे अंगूर के खेत हैं, ये अनंतपुर में नई चीज़ है, पहले नहीं दिखते थे अंगूर के खेत, पहले बैंगलोर के पास दिखते थे, इस बार बहुत अंगूर के खेत इधर भी दिखे हैं, तो मतलब इधर भी अंगूर होना शुरू हो गया है शायद। तो चलिए अब चलते हैं, अब अगला बड़ा शहर अनंतपुर आने वाला है, वो आता है तो दिखाते हैं, उसके बाद आएगा कुरनूल बड़ा शहर, और उसके बाद थोड़ा छोटा शहर झरझरला, और फिर हैदराबाद। ये सुबह से हम चल चुके हैं 520 किलोमीटर,
और ऑलमोस्ट कितने बजे चले थे हम? 6 बजे चले थे, 5:34 हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए हैं। हाँ, 6:30 के आसपास हम चले थे और ये कासपल्ली टोल प्लाज़ा आ गए हम, कासपल्ली पार कर रहे हैं। अभी भी रह गया है 330 किलोमीटर हमारा घर, और तो अभी भी काफ़ी है, लगभग 5.5 आवर्स का रास्ता है। शाम के बज गए हैं 5:34, 5:34, सो अप्रॉक्सीमेट अराइवल है 11 बजे के आसपास। थोड़ा लेट भी हो सकता है डिनर विनर करते हुए, बट अगर सीधा सीधा चलें तो ये बोल रहे 11 बजे के आसपास। यहाँ आगे आम के बगीचे आते हैं, अच्छे आपको दिखाएंगे, सोचा था। पिछले साल हमने 2-3 आम भी तोड़े थे उससे, और हम लेके भी गए थे, बड़े अच्छे आम थे, बड़े बड़े। आता है तो दिखाते हैं, अदरवाइज निकल लेंगे। देख सकते हैं यहाँ से, अगर आपको जाना है श्रीनगर, जो उत्तरी भारत का बहुत उत्तरवा हिस्सा है, तो बस 2,659 किलोमीटर है, 2,659। हैदराबाद 308, कुरनूल जो बॉर्डर है आंध्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 98, और धोने तो मुझे पता नहीं 59 पे है, बट वो जगह। अब ये देख के मन तो कर रहा है श्रीनगर जाने का, गर्मी भी बहुत है हैदराबाद में, श्रीनगर में थोड़ा ठंडा होता, बट चलिए क्या करें, छुट्टियां नहीं है। ये थोड़ी देर पहले हम आपको वो बता रहे थे ना कि वो 300 रुपये वाला गुण है, वो इस झाड़ से बनता है, ये है तौड़ी या ताड़ का झाड़। इसमें से क्या करते हैं, उसमें छोटे छोटे छेद कर देते हैं ऊपर और मटका लगा देते हैं, तो उस मटके में इस पेड़ का दिन भर में पूरा रस भर जाता है, दिन भर या रात भर। सुबह लगाएंगे तो दिन भर भरेगा, रात को लगाएंगे तो रात भर में रस भर जाएगा। फिर उस रस को क्या करते हैं, जैसे गुड़ के, गन्ने के रस को पका के गुड़ बनाते हैं, तो इसके रस को पका के इसका गुड़ बनाते हैं। बट गन्ने वाला गुड़ आपको 40 से लेकर 70 रुपये के बीच में मिल जाएगा किलो, 40, 50, 60 ऐसे। ये वाला जो है, ये वाला अगर आप सोर्स पे जाके लोगे जहाँ बनता है, जैसे तमिलनाडु टाइप में रामेश्वरम के पास, तो आपको 300-350 पड़ेगा। अगर आप अमेजन से मंगाओगे तो 1,000 रुपये किलो तक का बिकता है ये अमेजन पे, मैंने चेक किया था। बहुत हेल्दी गुड़ माना जाता है, बट ओरिजिनल प्योर मिलना मुश्किल है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत है। बट यही झाड़ है, मतलब इतना महंगा गुड़ सुन के तो मुझे लगता है कि इसी के एक छोटा सा खेत लेके इसी के झाड़ लगा देते हैं, क्या पता होते होते हो जाए। और जो लोग वो करते हैं, पीते हैं, उनके लिए रस भी अच्छा होता है। इसके रस का क्या हिसाब है, अगर आप ताज़ा रस पियो तो बहुत अच्छी चीज़ है, पेट साफ करता है, एकदम ठंडा करता है। बट अगर उसे आप 5-6 घंटा छोड़ दो और पियो, तो फिर वो ताड़ी नशा देता है, भयंकर वाला नशा देता है, बियर जैसा। तो इसका वो है, ये ताड़ी का पेड़ है, बहुत है इधर, आप देखो इधर भी इतने सारे पेड़ हैं, तो इस एरिया में होता है। और इसका फल भी बहुत बिकता है, आइस एप्पल बोलते हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में इसके फल को क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता, बट इंग्लिश में आइस एप्पल बोलते हैं। इधर बिकता है कभी कभार, आज दिखेगा तो दिखाएंगे। देखो आप क्या सुंदर पहाड़ है, और इसके ऊपर ही वो किला सा है, हल्का हल्का अगर आप ध्यान से देखोगे तो किला सा है। ये पहाड़ देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि मराठाओं के राज में यहाँ मराठा बैठते होंगे ऊपर चोटी पे, और चारों तरफ अपने दुश्मनों पे नज़र रखते होंगे, निज़ाम की सेना या अंग्रेज़ी सेना हमला करे तो उन्हें क्या बोलते हैं, पीट के वापस भेजते होंगे, ऐसा लगता है देख के। पहाड़ के ऊपर हल्के हल्के किले बनाए हुए, और ये यहाँ पे आसपास में सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसलिए आई थिंक किला बनाया गया है। पुराने ज़माने में यही होता था, जो ऊंचा पहाड़ होता था उस पे किला बनाया जा सकता था, ताकि चारों तरफ नज़र रहे दुश्मन पे। तो ऐसा लगता है, मतलब ऐसे पहाड़ देख के मुझे वही सीन दिमाग में आते हैं, ऐसे लगता है हम मराठा हैं, किले के बीच में बैठे हैं, मस्त चारों तरफ का व्यू इंजॉय करते हुए, दुश्मन पे पैनी नज़र डाल के। चलिए चलते ये हमें आम का बगीचा दिखा, बड़ा सही, और यहाँ बहुत सही सही आम है। बेबी टच करके दिखाओ आम, मैंगो वहाँ पे है, देखो कितना नीचे की हाइट पे है, ये देखो यहाँ पे मैंगो है बेबी की हाइट पे, तोड़ना मत, ओके, टच कर सकते हो, ये देखो ऐसे ऐसे, ये देखो ये है, देखा है ना छोटा सा, वो भी है उधर भी है, और उधर बड़े भी, वो देखो नीचे कितने सारे गिरे हुए हैं, वो देखो अगर खाने लायक है तो वो ले सकते हो, नीचे गिरा हुआ है नहीं है। छोटे पे एक और पेड़ है, इस पे थोड़े बड़े हैं, वो देखा कितना अच्छा लग रहा है, वो वाला कितना बड़ा है, नीचे है क्या कोई, नहीं है नीचे गिरा हुआ भी नहीं है, पूरे पेड़ में एक ही दिख रहा है। अच्छा इसलिए शायद यहाँ लगाया नहीं होगा, ज़्यादा आम हुआ नहीं है, तो किसान ने सोचा होगा क्या ही घाटा होगा, इसलिए शायद बाउंड्री नहीं बनाई इस साल। ज़्यादा आम होता तो आई थिंक वो अच्छे से बना के रखते, उसमें भी है। ये देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग आम है, तुम्हारे साइज का है और एकदम पीला है, ये देखो येलो है, यू कैन प्लक, ऐसे लग रहा है पका हुआ है, यू वॉन्ट टू प्लक, बेबी साइज है, हाँ तोड़ लो, ये देखो चोप लग जाएगा, उसको मम्मी को दे दो, अभी गाड़ी में डाल देंगे। आम चाहिए, यहाँ एक दिख रहा है,
ट्राई करते हैं। ओए आ गया एक, ये तो आ गया, एक से हो जाएगा। हाँ है भी नहीं ज़्यादा इस पेड़ में, चलो चटनी का तो काम हो ही जाएगा एक दिन। शाम के बज गए हैं 6:20 और ये आम के बगीचे के साइड में सुंदर सा सनसेट होता हुआ। सुबह हम चले तो ये निकला भी नहीं था ढंग से, अंधेरा था, और अब सेट होने का टाइम हो गया है 6:15। ऑलमोस्ट 12 घंटे हो गए हमें चले हुए, अभी भी 4 घंटे का रास्ता है। एक और बोर्ड आ गया है इंटरेस्टिंग, कहाँ कहाँ के हैं इसमें, धोने 6 किलोमीटर, कुरनूल जो बॉर्डर है 52 किलोमीटर, हैदराबाद 257 किलोमीटर, नागपुर 789 के तहत 799, भोपाल 1139, श्रीनगर 2673 2673 धोने जीरो लिखा था, अच्छा धोने जीरो है। चलिए चलते आगे, एक और टोल प्लाजा आ गया है और अभी हम कुरनूल जो बॉर्डर है, और कुरनूल एक बहुत बड़ा शहर भी है, उससे ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर दूर है। और इस टोल प्लाजा का नाम है अमाकाथडू टोल प्लाजा। ये मैं हर बार पढ़ता हूँ बट मैं हर बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इसके नाम में। अब यहाँ से कुरनूल 35-40 है। कुरनूल आंध्रा के बड़े शहरों में एक शहर है, 3 कैपिटल के फॉर्मूला में उसे एक कैपिटल बनाना था, जो आंध्र प्रदेश का पुराना प्लान था। और सुबह से हम चल चुके हैं 576 किलोमीटर, गाड़ी लगभग चल गई है मोर देन 12 आवर्स। अभी शाम के 6:39 हो गए, सुबह 6:30 बजे से पहले हम निकल गए थे अपने होम स्टे से। तो चलिए अभी भी है 4.5 घंटे का रास्ता और 270 किलोमीटर्स रह गए। अब अंधेरा हो गया तो बहुत ज़्यादा नज़ारे तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, बट जो थोड़ा बहुत दिखा पाएंगे वो बिल्कुल दिखाएंगे। ये सामने हनुमान जी हैं, बहुत सुंदर हैं ये। हम पिछले 2-3 साल से स्टैचू बनते हुए देख रहे थे और लास्ट टाइम जब आए हम आए तो इनका मुंह ढका हुआ था, मतलब ये मूर्ति की तब प्राण प्रतिष्ठा पूरी नहीं हुई थी। अब आई थिंक ये प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है और ये मतलब अब अच्छे से इनका वो मुंह पे जो कवर था वो हटा दिया गया है, मतलब मूर्ति में जो भगवान बसाने की रीति होती है वो पूरी हो गई है। बड़े अच्छे लग रहे हैं। ये रात के बज गए हैं 7:16, सुबह से हम ऑलमोस्ट 620 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं और हम आ गए हैं कुरनूल शहर पे। अब इधर सामने बोर्ड देख सकते हो, कुरनूल 0, हैदराबाद 211, नागपुर 737, भोपाल 1086, लुधियाना 2135, श्रीनगर 2621। यहाँ पे लुधियाना का बोर्ड दिखता है, बड़ा रेयर है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कुरनूल में लुधियाना का बोर्ड क्यों होगा। शायद कोई हाईवे होगा इधर से जो लुधियाना निकल रहा है, शायद 44 ही होगा मेरे हिसाब से, तो इसीलिए होगा। चलिए अब ये कुरनूल शहर पार करेंगे और ये पार करते ही बॉर्डर आ जाएगा, उसके बाद लगभग 3.5 घंटे का रास्ता अपना तेलंगाना में कटेगा। ये हमने अभी पीछे जस्ट टोल प्लाजा पार करा और ये टोल प्लाजा जस्ट तेलंगाना की स्टार्टिंग है। सो अब हम तेलंगाना में आ गए हैं। अब हमारा रह गया है 221 किलोमीटर आज का रास्ता और टाइम रह गया 3.5 घंटे। अब ये पूरा तेलंगाना में बीतने वाला है, ज़्यादा कोई बड़ा शहर अब आएगा नहीं। अब एक आएगा झड़चरला, वो आ जाएगा लगभग 120 किलोमीटर बाद, और उसके बाद सीधा अपना हैदराबाद ही आएगा, जो सबसे बड़ा शहर है ऑब्वियसली तेलंगाना का और हमारा घर है। तो चलिए अब रात हो गई है, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाएंगे बट थोड़ा बहुत कुछ होता है, कहीं डिनर विनर करते हैं तो आपको दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हो हम हैदराबाद के आउटर पे और ट्रैफिक एकदम बढ़ गया है, इसीलिए रात के बज गए हैं 10:30। सुबह हम 6:30 चले थे, सो 16 आवर्स की ड्राइविंग हो गई है अपनी। और इस 16 आवर्स की ड्राइविंग में अपन ने कवर करे हैं 805 किलोमीटर्स और अभी भी 41 रह गए हैं, ऑलमोस्ट 850 किलोमीटर 850 किलोमीटर्स का रास्ता था। सो काफ़ी हम कवर कर चुके हैं, थोड़ा बहुत अभी बचा है। अब 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर्स में ORR का कट आ जाएगा और वहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे ORR पे, और उसके बाद तो हमारा घर ज़्यादा दूर है नहीं। पिछले 1-2 घंटे में हमने ज़्यादा रिकॉर्डिंग करी नहीं बिकॉज़ अंधेरा था, तो आपको क्या ही दिखाते। अब ORR चढ़ते हैं और ORR चढ़ के फिर आपको आज का एक समरी बता देंगे कि हम कहाँ कहाँ से आए, कितना क्या था, और फिर इस ब्लॉग को एंड कर देंगे। हमारी खुशियों की सीमाएँ नहीं है, आप देख सकते हो सामने लिखा है नेहरू ORR टोल रोड, मतलब नेहरू आउटर रिंग रोड हैदराबाद की आ गई है। यहाँ फास्ट टैग वाले काउंटर बने हुए हैं। चलिए चलते हैं,
अब ज़्यादा नहीं, अब बस 35-36 मिनट का रास्ता है। किलोमीटर अभी भी काफ़ी हैं, 40 किलोमीटर हैं हमारे घर के लिए। बट अब एक बार ORR आ जाते हैं तो ऐसा लगता है घर आ गए, बिकॉज कहीं से भी आते हैं तो ORR आना ही पड़ता है। सो ये पूरी घर वाली फीलिंग देता है। जब हमारा दिल्ली में घर था ऐसा अपने को नोएडा बॉर्डर आके लगता था कि अब दिल्ली दूर नहीं, वैसे हमें यहाँ आके लगता है आजकल ORR आके। चलिए ORR पे चलते हैं। और ये रात के 10:30 बज गए और हम ORR चढ़ गए। और आज हमने काफ़ी लंबा रास्ता कंप्लीट किया, 810 किलोमीटर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर अपना घर है और रात का अंधेरा है, कुछ खास है नहीं। तो ये ट्रिप का आपको टोटल बता देते हैं। हम निकले कुर्ग से और हम आए हैदराबाद। टोटल डिस्टेंस 850 किलोमीटर। टाइम लगा अपने को ऑलमोस्ट 11 बजे तक, अब 15-20 मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे। निकले थे 6:30, तो आप लगा लो 12 + 4.5 ऑलमोस्ट 16.5, 16.5 घंटे लगे। रास्ते में ब्रेकफास्ट खाया हमने, लंच खाया, डिनर हमने खाया नहीं, लंच लेट खाया था, पेट भरा हुआ था तो डिनर का कुछ प्लान बना नहीं। अगर आपको रूट बताएं तो हम निकले कुर्ग से, कुर्ग के बाद हम निकले मैसूर की ओर और मैसूर से फिर हम निकले बैंगलोर की ओर, बैंगलोर से हम निकले अनंतपुर की ओर, अनंतपुर से हम निकले कुरनूल की ओर जो बॉर्डर था आंध्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, और कुरनूल से झड़चेरला, झड़चेरला से अब हैदराबाद। तो ये अपना रूट रहा। टोटल फ्यूल इसमें लग गया होगा, लगा लो जो एवरेज अपनी गाड़ी दिखा रही है, वैसे ये ज़्यादा दिखाती है, बट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 6.5-7 रुपये के आसपास लगा होगा। तो 7.8 is 56, आप लगा लीजिए उससे थोड़ी सी ज़्यादा चलिए तो ऑलमोस्ट 5800 के आसपास का आज डीजल लग गया होगा। टोल हमने जाते में देखा था तो टोल ऑलमोस्ट 1400 रुपये का था इस रूट पे, बिकॉज हमने वो लिया था मैसूर एक्सप्रेस वे लिया था, बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस वे, जिस पे नॉर्मल से ज़्यादा टोल लगता है बिकॉज वो एक्सप्रेस वे है। तो टोल भी अपना लग गया होगा लगभग 1400 का आते में भी। और ये हमारे डैश कैम ने भी वार्निंग दे दी कि गाड़ी 4 घंटे से चल रही है। एक्चुअली हुआ क्या, रात का अंधेरा हो गया है और रुकने का कोई तुक बनता नहीं है, तो पिछले 4 घंटे से हम गाड़ी चलाए जा रहे हैं। डिनर के लिए बेटा सो गया है, हमें इतनी भूख है नहीं, लंच लेट किया था तो डिनर के लिए हमने रोका नहीं। सो चलिए अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सामने आप देख सकते हो बोर्ड, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट मुंबई एग्जिट 17, ये ORR पे चल रहे हैं हम। गच्ची पावली एग्जिट 19 पे है, ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये घर पहुँचते हैं और हम आराम करते हैं। हाँ आप काट दो उसको।